पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं और माताओं, गुरुवर कबीर की वाणी के आधार पर कुछ देर विचार प्रस्तुत है। गुरुवर कबीर साहेब जी की पंक्ति है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए सोई साहन साह। ये ऐसी एक पंक्ति है कि जो इसको समझ ले उसको साहन साह बना देती है। साहन साह का मतलब होता है महाराजा, राजा धीराज, समझने का फेर है बस। गुरुवर कबीर साहब क्या संदेश देते हैं इसके माध्यम से? चाह जिनकी खत्म हो गई, इच्छाएं जिसकी खत्म हो गई, वासनाएं जिसकी खत्म हो गई, उनकी चिंताएं अपने आप मिट जाती है। अभी जो यहाँ सत्संग में नहीं पहुँच पाए हैं, क्या कारण है? कोई न कोई चाह है मन में ना, कोई न कोई चिंताएं हैं जिसको पूरा करने में लगे हैं। 2 लाख 4 लाख है उसको 5 लाख करने में लगे, 365 दिन कमाए उसमें नहीं पूरा हुआ, एक दिन नहीं कमाएंगे तो एक दिन और कमा लेंगे तो क्या पूरा हो जाएगा? लेकिन आदमी समझता कहाँ है? जो यहाँ नहीं आए हैं वो कौन सा तीर मार लेंगे आज, कौन सी उन्नति कर लेंगे? या हम सब जिस रास्ते पर हैं, आज तक जो कुछ किए हैं उससे मिला क्या है? कमाए तो बहुत, मेहनत तो बहुत किए, शायद उतना आज हम दान दिए होते ना, कहीं गरीबों में सेवा किए होते तो आज किसी भगवान से कम नहीं होते हम सब। लेकिन अपने घर गृहस्थी और परिवार की खातिर मैंने जो जी जान लगा दी उसके बदले में हमको मिला क्या? केवल तिरस्कार, अपशब्द, कटुवचन, पीड़ा, दुख, संताप। और ये चीज कब हमको समझ में आएगी? जहां जहां हम जब जब अपने इस जीवन को, अपने परिवार को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं, एक तरफ से सिलो दूसरी तरफ फट जाता है, एक तरफ संवारो दूसरी तरफ गिर पड़ता है। और जब से होश संभाले तब से इस जिंदगी को व्यवस्थित करने में ही तो लगे हैं। आज तक चैन से सोने को मिला, शांति मिली नहीं मिली? जो हमारे पास थी वो भी गायब हो गई। जो सुख हमारे पास पहले था आज है? जो आज से 4 साल पहले 10 साल पहले जो हमारे पास शांति थी, निश्चिंतता थी, खेत में जाके हम सो लेते थे, आज ऐसे लगता खेत में जाएंगे तो घर बिगड़ जाएगा और घर में रहेंगे तो खेत बिगड़ जाएगा। चिंता लगी हुई है, इसमें गलती किसकी है? शायद मैं एक उदाहरण दूं उससे समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ है। हम इस जिंदगी को व्यवस्थित करने में लगे हैं फिर भी ये व्यवस्थित होती क्यों नहीं है? इसमें गलती कहाँ पर हो रही है? जैसे एक आदमी यहाँ से रायपुर जाना चाहता है,
रायपुर यहाँ से कितना दूर होगा? 40-50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। और वो यहाँ से चल दिया, 10 दिन चला। अब 10 दिन बाद फिर किसी से पूछता है, भैया रायपुर कितना दूर है? तो जिनसे पूछा वो बताते हैं यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। कहे आए, मैं तो अमोदी से चला था, वहाँ से 60 किलोमीटर था। ये 10-15 दिन चलने के बाद आज पता चलता है कि 80 किलोमीटर है। जो गलती इस आदमी के साथ हो रही है, वही गलती हमारे जीवन के साथ हो रही है। अब कोई बताएगा कौन सी गलती कर रहा होगा वो आदमी? रोड गलत पकड़ लिया है। यहां से रोड इधर भी जाता है ना, उड़ीसा तरफ भी, पिथौरा या कहीं भी दूसरी विपरीत तरफ रोड पकड़ लिया ना, तभी तो दूर जा रहा है उससे। और हम सब के साथ भी बस यही घटना घट रही है। हमारे पास जो सुख और सुविधाएं थी, वो और सुख कम हो गया आज, दुख और बढ़ गया। हम यात्रा तो हमारी रायपुर की थी, सुख की थी ना, जब से हम होश संभाले तब से हम सुख की यात्रा कर रहे हैं। नौकरी, पैसा, पढ़ाई लिखाई, घर मकान, जमीन, पत्नी, बच्चे, उनकी अच्छे से पढ़ाई, इंग्लिश मीडियम, उनकी शादी, ये सब क्यों? केवल जीवन अच्छा हो, सुखमय हो, हमारा और हमारे परिवार का। लेकिन हुआ क्या? 60 के बजाय 80 दूर हो गया हो तो। ये गलती हमारे साथ इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने रास्ता गलत पकड़ लिया है। वो कौन सा रास्ता पकड़ लिए हैं? संसार के प्राणी और पदार्थों से सुख पाने की इच्छा। यहाँ से अगर हम दक्षिण जाएंगे तो क्या रायपुर आएगा? नहीं। यहाँ से अगर उत्तर जाएंगे तो रायपुर मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके लिए दक्षिण जाना पड़ेगा ना। संसार के प्राणी और पदार्थों से अगर कोई सुख पाने की इच्छा करे तो क्या वो सुखी हो पाएगा? लेकिन हम वही कर रहे हैं। पत्नी से, बच्चे से, जमीन से, जायदाद से, पैसा से, इन सब से बटोर करके हम चाहते हैं सुख मिल जाएगा। वो संत जन एक कहानी कहते हैं ना कि एक गांव में धोबी के पास एक गधा था। गधा खूब मोटा ताजा मस्त, उसका कोई खास काम नहीं था। धोबी उसको क्या करता, रोज सुबह उस पर कपड़े की लादी लादता और तालाब तक ले जाता और तालाब पर कपड़े धोता और गधे को छोड़ देता। दिन भर गधा हरी हरी घास चरता तालाब पर, शाम को फिर कपड़े रख करके धोबी घर आ जाता। गधे को खूब घास खाने की मिलती, खूब मोटा ताजा था। लेकिन उसी गांव में एक नट भी रहता था, उसके पास भी एक गधा था। बहुत दिन बाद नट के गधे से धोबी के गधे की मुलाकात हो गई। तो धोबी के गधे ने कहा, भाई तुम इतना दुबले कैसे हो गए? हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, तुमको नट ने खरीद लिया, हमको धोबी ने खरीद लिया, बस इतना ही अंतर है। तुम्हारी तो यह दशा हमसे देखी नहीं जा रही है, खाने पीने को नहीं मिलता है क्या? तो नट के गधे ने कहा, भैया क्या बताऊं, जो हमारा मालिक है नट, वो गांव गांव तमाशा दिखाता है और हमको दिन भर कभी इस गांव कभी उस गांव लेकर के दूर निकल जाता है, कोसों दूर। और जितना भी उसे सीधा भीख मिलती है वो भी हमारे ऊपर लाद देता है, अपने बच्चों को भी बैठा देता है और अपना भी बैठ लेता है। और कभी शाम को घुना घना कुछ थोड़ा मोड़ा दे दिया तो दे दिया, और नहीं तो वो भी नहीं। अब इसी में हमारी हालत ये हो गई, हमको ठीक से घास नहीं मिलती, खाने को नहीं मिलता, इसलिए मैं कमज़ोर हो गया हूँ। कहानी ध्यान से सुनेंगे, किसी दूसरे गधे की नहीं है, शायद हम ही वो गधा उसमें से हम ही ना हो। ठीक से सुनेंगे समझ में आ जाएगा कि हम हैं कि हम नहीं हैं।
नट के गधे ने कहा कि भैया हमको ठीक से पेट भर मिलता नहीं खाने को, इसलिए मैं दुबला हो गया हूं। तो धोबी के गधे ने जानते हैं क्या कहा, कहा देखो हमारा जो धोबी है वो एक गधा और ढूंढ रहा है, मैं तुम्हारे लिए बात करता हूं कैसे भी करके वो तुमको खरीद ले, और हमारी हाल तो जानते हो, केवल एक बार लादी ले जाना है तालाब पर और दिन भर हम लोग घास खाएंगे और मस्त हो जाएंगे, तो कैसे भी करके मैं तुमको अपने साथ लगवा लेता हूं, सिफारिश जानते हैं ना, तो मैं तुम्हारे लिए सिफारिश करता हूं और कितना भी पैसा लेगा नट तो उसको हम तुमको उससे खरीदवा लेंगे। तो यहां पर नट का गधा क्या कहता, नहीं भाई ऐसी गलती कभी मत करना। कहे आई सारी समस्या के जड़ तो तुम्हारा मालिक नट है, अब मैं तुमको उस अपने पास लगवा रहा हूँ, जो काम मेरा रहेगा वही काम तुम्हारा हो जाएगा, अब तुम कहते हो कि ऐसी गलती कभी मत करना। कहे हाँ। कहे बात क्या है आखिर। कहे एक बात बहुत बड़ी बात है। कहे कौन सी बात। कहे मुझे एक बहुत लंबी आशा है नट के पास। कहे कौन सी आशा है। कहे आशा ये है कि जब नट तमाशा दिखाता है ना तो दो बाँस गाड़ता है और उस बाँस में रस्सी बांधता है और उस रस्सी पर अपनी जवान बेटी को कहता है तू इस छोर से दूसरे छोर तक जा और देख गिरना मत, और अगर कहीं गिर गई तो तेरी शादी इसी गधे से कर दूंगा। अब मैं सोचता हूं भाई वो हरामजादी कभी तो गिरेगी, भले खाने को न मिले चलेगा, लेकिन मैं आस में बैठा हूं कि वो जिस दिन गिरेगी उस दिन हमारी उससे शादी हो जाएगी। हंसी आती है ना। हम भी उसी आस में बैठे हैं, हमारा बेटे से हमको सुख नहीं मिला, सोचते शायद बहू आएगी उससे शायद सुख मिल जाए, बहू भी उससे चार कदम आगे निकली, अब सोचते शायद इसके जो बच्चा होगा ना वो शायद समझदार होगा उससे शायद सुख मिल जाए। वो लड़की कभी गिर भी गई तो क्या गधे के साथ शादी होगी उसकी, नहीं होगी, वो तो केवल हंसाने के लिए कहता है। लेकिन जो गधा आस लगाए बैठा है वो गधा क्या वो अकेले है, बहुत लोग आस लगाए बैठे हैं जो उनको नहीं मिलने वाला है। ये सुख नाम का जंतु जो हम ढूंढ रहे हैं संसार के प्राणी और पदार्थों से, बेटी से, धन से, जमीन से, जायदाद से, भाई के साथ मुकदमा लड़ के या कैसे भी करके, वो मिलेगा हमें, हम भी वही गधा हैं, बस अंतर है कि हम दो पैर से चलते हैं और वो चार पैर से चलता है बस। तो बंधुओं जरूरत है कि हम इस बात को समझें कि जो चीज जहां है ही नहीं वहां कैसे मिलेगी। तिल झारी कबीरा लिया तिलैठी झारे लोग, किसान था, तिल का खेती किया, खेत में तिल को पीटा और तिल को उठा लाया और उसके डंठल को छोड़ दिया खेत में। अब हम होशियार पहुंचे, हम उसके डंठल को उठा लाए, हम उसको ला के पीट रहे हैं कि शायद इसमें से कुछ तिल निकल जाए। वही लिए कबीर साहब को कहना पड़ा तिल झार कबीरा लिया और तिलैठी झारें लोग, जो डंठल बैठता है उसको तिलैठी कहते हैं, उसी को हम पीट रहे हैं जब से होश संभाले। बस गलती एक ही है, जो चीज जहां है ही नहीं वहां ठोक रहे हैं कि वहां मिल जाए, बस एक ही गलती, उस दिशा में जा रहे हैं कि जिस दिशा में वो है ही नहीं। संसार के प्राणी पदार्थों में सुख है ही नहीं, और हम जब से होश संभाले हैं हमारी दौड़ सब कुछ उसी के लिए है। एक घंटा के लिए यहां सत्संग हो रहा है उसके लिए भी समय नहीं कि हम आ सकें, बर्बाद हो जाएगा, खेत डूब जाएगा हमारा, घर घुसक जाएगा, दूसरे कैंप चला जाएगा अगर सत्संग में चले गए एक घंटा, तो कितनों काम बिगड़ जाएगा। आपको ऐसे लगता है अगर यही गाँव में अभी कहीं जीसी भी फंस जाए इससे ज्यादा भीड़ हो जाएगी, आपको पता है सबके पास समय आया, दो दो तीन तीन घंटा लोग देखेंगे, लोग अकल बताएंगे ऐसे करो तो निकल जाएगा, ऐसे करो तो निकल जाएगा। लेकिन अभी अगर वो सत्संग में आ जाए तो उनका बहुत काम बिगड़ जाएगा, उनको बहुत इमरजेंसी काम में लगे होंगे सब,
ये समझ का फेर है बस, जो 50 साल 60 साल 30 साल 40 साल में हम नहीं कर पाए तो एक दिन में क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। दो भाई आपस में लड़ते हैं, किसी को 2 फीट जमीन कम मिली है, किसी को 4 खटिया ज़्यादा मिल गई जमीन। जो योग्य होगा समझदार होगा वो उतने में भी बहुत उन्नति कर सकता है, और जो योग्य नहीं होगा मेहनती नहीं होगा समझदार नहीं होगा उसको 10-20 ज़्यादा भी मिल जाए ना तो उसको भी बेच डालेगा, उसको भी बर्बाद कर डालेगा। तो ज़रूरत है बंधुओं समझ की, हम इस बात को समझें कि जो चीज़ हम जहाँ ढूंढ रहे हैं वो वहाँ नहीं है। संत जन केवल इतना ही समझाना चाहते हैं कि तुम्हारी दिशा गलत है, रास्ता गलत है, जहाँ पर चल के तुम जहाँ जाना चाहते हो वो उस दिशा में नहीं है, वो अध्यात्म में है। तिल झार कबीरा लिया, तिल तो अध्यात्म में है, सत्संग में है, संतोष में है। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। बुद्ध के पास कम धन था, महावीर का नाम सुने कम धन था उनके पास, ये सब राजा थे अपने घर के, लात मार के चल दिए। हम उससे बड़े धनवान हैं क्या? हैं, भले हमारी सर हिलता है लेकिन अपने आप को समझते हैं हम, और लगे हैं जोड़ने में बटोरने में इसको संवारने में, और इतना दिन करने के बाद भी हमको ये पता नहीं चला। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमारे काले बाल सफ़ेद हो गए और अभी तक हमको ये पता नहीं चला कि मैं रास्ता गलत पकड़ लिया हूँ, मैं रायपुर तरफ नहीं मैं किसी दूसरी तरफ जा रहा हूँ, बस केवल रट रहा हूँ रायपुर कब पहुँचूंगा भैया। लोग बताते जा रहे हैं, दिन बीतते जा रहा है, लोग बता रहे हैं आपका रायपुर अब आपसे 60 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, अब तो और सुख शांति किस जंतु का नाम है पता भी नहीं है। बचपना में जो सुख शांति थी आज है, कब समझ में आएगा? इसीलिए गुरु और कबीर साहब को कहना पड़ा कि चाह गई चिंता मिटी। जब ये तुम्हारी इच्छाएं और चाहनाएं खत्म हो जाएंगी तभी तुम्हारी ये चिंताएं मिट जाएंगी, फिर वही व्यक्ति शहंशाह है, राजा है। राजा के पास क्या होता है? महल होता है, बंगला होता है, किला होते हैं, सैनिक होते हैं, रानियां होती हैं, यही पहचान है ना राजा की। धन होता है, ये सब क्या है? ये सब इच्छाएं हैं। एक आदमी के अगर दुश्मन है बहुत सारे उसको मारने वाले हैं तो उसको तो सैनिक रखना ही पड़ेगा, लेकिन एक ऐसा आदमी है जिसके पास दुश्मन ही नहीं है। अब जब दुश्मन नहीं है तब उसको सैनिक की क्या जरूरत, वो भी राजा है फिर। और एक आदमी है जिसको वासनाओं की बहुत जरूरत है तो एक नहीं दो नहीं 4-4 रानियां रखा है, किसी का एक से काम चल जाता है किसी को वो भी जरूरत नहीं है, तो राजा कौन है? ये सब तो बीमारी के लिए दवाइयां हैं। वासना एक रोग है, उस रोग को मिटाने के लिए दवाई है शादी, लेकिन किसी को अगर वो रोग नहीं है तो राजा है ना वो भी। इच्छाएं ही आदमी को गुलाम बनाती हैं। राजा के अंदर इच्छा है कि मैं दूसरे राज पर विजय पा लूं, अपना और विस्तार कर लूं, और धन बटोर लूं। सोने की रोटी खाएगा क्या? नहीं, बस केवल सोच है, बस खुजली है उसके अंदर। वो कहते हैं ना, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। वो तो खाली गया, क्या हम लेके जाएंगे? हम भी यहीं छोड़ के जाएंगे, साथ में जाएंगे हमारे अच्छे और बुरे कर्म, परमार्थ किए हुए कर्म बस, बाकी तो लोग गाली देंगे। पड़ोसी हमारा खुश हो जाए, चलो अच्छा हुआ गया, रोज कचाहिन करता था, रोज लड़ता था, तो कुछ अच्छा करके जाएं,
गुरु और कबीर का जो संदेश है, जिस रास्ते पर हम चले हैं, जो पाना चाहते हैं, उसको बारीकी से बैठ करके मनन करें, सोचें कि जिस जगह से हम जो चीज़ खरीद रहे हैं, रोज़ रोज़ संसार के प्राणी पदार्थों से जो हम इच्छा कर रहे हैं, वो चीज़ वहाँ नहीं है। हमें चाहिए शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, वो केवल अध्यात्म में है, सत्संग में है। तो इसके महत्व को समझें। और अधिक कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग कबीर आश्रम प्रयागराज से पधारे संत श्री करमचंद साहिब जी के सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे। आगे निवेदन है भ्रमणशील संत श्री यतीन्द्र साहिब जी से, आप आएँ और कुछ देर हम लोगों के बीच सुंदर विचार रखें। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। अर्चनी वंदनीय मुदमंगलमय संत समाज, आइए थोड़ी देर सत्संग को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग इधर ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से नज़रें जमाए रहेंगे। एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ। यदि इस बात को आप समझ गए तो सत्संग को एकदम सही तरीके से समझ जाएंगे, अध्यात्म को भी समझेंगे और उसे जिसे वेद और उपनिषद कहते हैं उसे भी आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। बस एक छोटी सी बात को समझना है। जैसे जब चावल पकता है, भात बनने को आ जाता है, तो एक दाना चेक किया जाता है, मसल कर, दबा कर। सारा चावल चेक नहीं किया जाता, वरना उस चावल का हलवा बन जाएगा। एक बड़े कथाकार हैं हमारे देश के, उनका नाम है प्रदीप मिश्रा जी। कुछ दिन बाद वो आपके अंचल में आ रहे हैं। वो एक बात कहते हैं और बड़ी मार्के की बात है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी नासमझी की वजह से हमने बहुत दुख झेला है और पहुँचते कहीं नहीं हैं। अभी आप साहब से सुन रहे थे कि जाना चेन्नई है और यात्रा कर रहे हैं मुंबई की ओर, कभी नहीं पहुँचेंगे। और तब पहुँचेंगे जब पूरी धरती का एक चक्कर लगा लेंगे, तब आप पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँचना है। लेकिन काफ़ी वक्त गुजर जाएगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो प्रदीप मिश्रा जी क्या कहते हैं कि बेल की पत्ती पर शहद लगाओ या फिर मक्खन लगाओ। ख़ास तौर से बच्चों के लिए कहते हैं जो या तो पढ़ाई में कमज़ोर हैं या साल भर मेहनत नहीं करते हैं, तो परीक्षा के समय बेल पत्ती पर। माँ बहने ठीक से सुनिए, ये आपके बच्चों का सवाल है और सवाल नहीं, ज़िंदगी का सवाल है। वो कहते हैं एग्ज़ाम के टाइम कि बच्चों बेल पत्ती पर मक्खन और शहद लगाकर भोले शिव शंकर के मंदिर में चढ़ाओ, उसके चिन्ह पर चढ़ाओ। अभी सावन सोमवारी, और सौभाग्य की बात है कि आज भी सावन सोमवारी है। आप में से कितने लोग आज व्रत होंगे, उपवास होंगे और यही कुछ करने की तैयारी और जुगत में लगे होंगे। बेल की पत्ती, मक्खन और शहद लगा करके शिव मंदिर में शिव के चिन्ह पर चढ़ाएंगे
तो आपका बेटा जो स्कूल नहीं जाता, पढ़ाई में कमज़ोर है, मोबाइल में व्यस्त है और बाकी मस्ती में व्यस्त है, वो किस आधार पर अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा? और जिस दिन वो बोल रहे थे एक कथा में, उसी दिन उसके नाती और पोते का रिज़ल्ट आया और उसके नाती पोते प्रदीप मिश्रा जी के दोनों बच्चे फेल हो गए थे। उसी दिन की खबर है ये, या ये सही खबर है? सोचिए ज़रा, हम कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। और वो प्रदीप मिश्रा भी गलत नहीं हैं, ये और बड़ी बात है। असल में वो जो लिखी हुई बातें हैं उसको एक तोता की भांति दुनिया को बता रहे हैं। जैसे तोता होता ना, तोता रटन, तोता को बोलो राम राम तो राम राम बोलता है, लेकिन तोता को राम से कोई लेना देना नहीं है, वो राम का मतलब भी नहीं जानता है। ऐसे ही प्रदीप मिश्रा जी ये बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि उसके पीछे का साइंस या तो जानते नहीं या फिर वो बताना नहीं चाहते हैं। उसके पीछे का साइंस आप समझेंगे उनसे जो वाकई में समझना चाहते हैं या फिर जानते हैं। साइंस क्या है और इस साइंस को बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि ये साइंस अध्यात्म के हर जगह उपलब्ध है। रामायण में भी यही विज्ञान है, यही साइंस है। महाभारत की जितनी भी कथाएं हैं, वेद पुराण बाइबिल जिंदावेस्ता कुरान, सब जगह यही साइंस काम करेगा। ये साइंस पकड़िए आज, मैंने कहा एक चावल चेक करना है तो वो आज एक चावल चेक करिए और ज़िंदगी भर के लिए चेक कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि अभी सुने और दो घंटे बाद आप भूल गए। ये परमानेंट जो है, कहते हैं एक लिटमस टेस्ट होता है, वो उस तरीके का टेस्ट है। जो पढ़ते हैं केमिस्ट्री उनको मालूम है। तो साइंस क्या है अब वो बताता हूँ मैं। बेल की जब पत्ती आती है नई नई कोपलें, उस सीजन में सचमुच में आपका बेटा या बेटी जो स्कूल जा रहे हैं पढ़ रहे हैं, वो यदि उस पत्ती को खाए, अब पत्ती थोड़ा सा कसैला होता है, आपने कच्चा बेल खाया होगा कभी, या पका बेल का छिलका भी मुंह में दांत में लगा होगा तो कसैलापन रहता है। पका बेल का गुदा तो बहुत मीठा होता है और बेल बहुत गुणकारी है, इसीलिए भोले शंकर को बेल चढ़ाया जाता है, धतूरा भी चढ़ाया जाता है, वो अलग मैटर है, मौका रहे तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बेल बहुत बेशकीमती चीज़ है पूरे हमारे शरीर के लिए और सैकड़ों प्रकार की बीमारी को ख़त्म करने के लिए। तो नई नई पत्ती आ रही हैं बेल की, उसको आपका बच्चा खाएगा जो अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी बुद्धि तेज होगी, शार्प होगी, इंटेलिजेंट होगा, उसमें पढ़ने की अकल आएगी। ये रियलिटी है, ये सच है, क्योंकि हमारे पुरखे जंगलों में रहा करते थे, ऐसे ही पत्तियों को खाया करते थे, कंदमूल खाते थे। आज भी आपके गांव में आपने बंदर को देखा है, जंगल खत्म हो गए हैं, पेड़ पौधे खत्म हो गए हैं, फल नहीं मिल रहे हैं, तो आपके गांव में आकर के वो क्या खा रहा है? वही आपका मुनगा भाजी खा रहा है, कई पत्तियों को तोड़ तोड़ के खा रहा है। कई साल गुजर गए, कोई उसे फल खाने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने जंगलों में कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया है, बिल्डिंगें बना दी हैं, तहस नहस कर दिया है धरती और पूरे सिस्टम को। तो जंगल के बजाय आज गांव में बंदर आ गए हैं। तो पत्ती हमारे पुरखे भी खाते थे और पत्ती में बहुत ताकत है। कभी आपने बकरी को चश्मा लगाते देखा है? कोई देखा है जी? हाथ उठाओ। बकरी को चश्मा लगाते, क्यों नहीं लगाती चश्मा? और आपके बच्चे चश्मा लगा के पैदा हो रहे हैं, क्या हो रहा है? आप जो है फैक्ट्री फूड खा रहे हैं, बच्चों को वही खिला रहे हैं, और बकरी शुद्ध पत्ती खा रही है, इसलिए उसकी आंखें तेज हैं, खून एकदम क्लियर है, ना ब्लड प्रेशर हो रहा है, ना शुगर हो रहा है, कोई रोग नहीं। बकरी से हमारा मतलब है सभी तरह के जीव जंतु और जो प्राकृतिक जीवन जीने वाले पशु परिंदे। हम बिगड़ गए हैं, हमारा खान पान बिगड़ा है, सोच और समझ बिगड़ गई है। मैं जो बोल रहा हूँ इसी को समझना सत्संग कहते हैं। इसको कबीरपंथी सत्संग भी नहीं कहेंगे आप, भूल जाइए कबीरपंथी और सत्संग को, ये शुद्ध सत्संग है। ये राधा स्वामी हो या गायत्री परिवार से आए या निरंकारी समाज से आए या और किसी मत मजहब और परंपरा से आए, दुनिया के किसी भी परंपरा, चाहे ईसाइयत से, मुसलमानियत से या फिर और किसी तबके से आए, इसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को देखना और जीना समझना ही सत्संग कहलाता है। सच क्या है?
कि आप पत्ती खाएंगे, आपके बच्चे, आप भी खाइए। अभी आप कितनी पत्तियां खाते हैं? आपको सर्दी जुकाम की शिकायत शुरुआत हो रही हो, आप कुछ भी नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं है आपके पास, आप क्या करिए, नींबू के पत्ते ले दिए, 3-4 नींबू के पत्ते ले लीजिए, जामुन के पत्ते, जैसे जाम, एक जाम फल है आम, आम, जाम, जामुन, अनार, नींबू, इनके 4-6 पत्तियां लेकर के उबाल के इसका रस पी जाइए, देखते देखते आपकी सर्दी जुकाम और बुखार आने की संभावना है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए इसी ताकत को हमारे पुरखे अच्छी तरीके से जानते थे, इसीलिए आज हम बड़ी आसानी से पीपल और बरगद में धागे लपेटते हैं। धागा लपेटना हमने पकड़ लिया, उसके पीछे का साइंस भूल गए। बेल पत्ती चढ़ाना हमने जान लिया, समझ लिया, बहुत सस्ता है, खाना महंगा है, थोड़ा कसाला लगता है, खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, सस्ती चीज़ों को पकड़ लिए हैं, जैसे काली मिर्च या लौंग या इसी तरह तीखा चीज, जैसे काली मिर्च की बात करते हैं, खांसी आने की संभावना है, काली मिर्च खाने से खांसी खत्म हो जाती है, क्योंकि काली मिर्च शरीर में जाएगा, जो कफ बन रहा है, बलगम जिसको कहते हैं, उसको फाड़ के वो बाहर कर देता है। तो किसके साथ खाना है काली मिर्च को? शहद के साथ लपेट कर खाना है, मिक्स करके खाना है। तो हमने काली मिर्च फेंक दिया और शहद पकड़ लिया। एक छोटू था, पिंटू, अक्सर बीमार होता था, आज उनको तगड़ा बुखार आया था। जब बुखार आता था उनको, तो उनको गोली दवाई खिलाना बड़ी मुश्किल बात होती थी, बड़ी जहमत हो जाती थी घर में, क्योंकि वो बहुत हाथ पैर पटकता था, पूरे घर को जैसे सर पे उठा लेता था, उसको दवाई खिलाना इतना आसान नहीं था, बहुत रोता, बहुत पटकता था हाथ पैर। पिताजी उसके गए, टेबलेट या कैप्सूल लेके आ रहे थे, सिर खुजाते खुजाते सोच रहे थे कैसे उसको दवाई खिलाएंगे, क्योंकि उसको पटकना पड़ता था, उसके बाद उसके मुंह में बेलन देना पड़ता था, तो जगह जो खुली होती थी उसी जगह से ही पाउडर के फार्म में लिक्विड घोल करके दवाई पिलाई जाती थी। कितना, मतलब घर वालों के लिए भी दर्दनाक था, बच्चे के लिए तो बहुत मुश्किल काम था। तो आज उसका बाप दवाई लेके आते आते सोच ही रहा था, एक होटल मिल गया, होटल में रसगुल्ला सामने रखा हुआ था, रसगुल्ला भी एक ले लिया, उसी के अंदर कैप्सूल को डाल दिया, उसी कलर का कैप्सूल था, लगभग लगभग कत्थई कलर का, मिक्स हो गया बढ़िया से। घर में आया और कहा, बेटा पिंटू ये ले पूरा, ये ले रसगुल्ला और इसको पूरा खा, और कहा तुम्हारी बहन उधर खेल रही है, वो भी आ जाएगी, तो एक काम कर, पिछवाड़े में जा बकरी तरफ और फाटक के पीछे जा कर के पूरा का पूरा रसगुल्ला खा के आ। वो गया, बहुत खुश था, रसगुल्ला मिल रहा है, बुखार आया क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों को, पूरा रसगुल्ला खा के आ रहा है। अब जब रसगुल्ला खाया तो रस का तो गोला है ही है वो, अब बाजू से वो उसका चाशनी लग गया, तो चाशनी को पीछे पेंट में पहुँचते रगड़ते आ रहा है, बराबर रगड़ के पहुँच के खड़ा हो गया बाप के सामने। पिताजी ने पूछा, बेटा खा लिया? कहा हाँ खा लिया, पूरा खाया? हाँ पूरा खा लिया। और उसमें वो थी ना, उसके पिताजी ने पूछा, बेटा क्या थी? वो गुठली, तो उसको निकाल के फेंक दिया। यही हम लोग कर रहे हैं आज, रसगुल्ला पकड़ लिए हैं और गुठली जो असल दवाई है वो हम नहीं ले रहे हैं। ये आप लोगों के साथ नहीं, पूरे अध्यात्म जगत में, धर्म जगत में हो रहा है। असल चीज़ हम भूल गए हैं और नकल और सस्ती चीज़ें हमने पकड़ लिया है। जिस किसी भगवान की आप पूजा करते हैं, यहाँ तक कि कबीर साहेब को आप जब पूजते हैं, तो कबीर साहेब के ज्ञान को साइड लगा देते हैं और धूमधाम से पूजा करते हैं, रैली निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, कबीर साहेब के नाम पर लोग पूरणमासी को उपवास रहते हैं और पुनो महात्म्य की पाठ करते हैं। बहुत कुछ हो रहा है आजकल कबीर पंथ में, और बाकी परंपराएं तो कर ही रही हैं, लेकिन उनके जीवन दर्शन, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे गुरु हैं, जिनके जीवन से हम सीख रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, तो बड़ी समस्या है ना। ये हम लोग सच को नहीं पकड़ रहे हैं। एक और बड़ी बात आती है निकल के, ये आपके गांव की बात मैं करता हूँ, यहाँ पर भी मंदिर होगा, अभी चैत्र नवरात्रि में 9 दिन तक दुर्गा की पूजा होगी, देवी की पूजा होगी, ये 2 बार ये त्यौहार आता है, और आप लोग वहाँ पर दिए जलाते हैं, घी के दीपक, तेल के दीपक, अच्छा खासा पैसा लगाते हैं, 2000 और
5,000 तक उसके तेल के दीपक आपके नाम से जलता है, ठीक है, लेकिन उसी दीपक के बीच में आप देखे हैं गेहूं का ज्वारा बोया जाता है। हमारे पुरखे कितने शानदार वैज्ञानिक थे और कितनी हमारी उनको फिक्र थी, आप सोचिए इन बातों को। मैं चाहता हूं कि इन बातों को आप लोग अच्छी तरीके से गांठ बांध के आज ठीक से पकड़ लें और आपके जीवन में एक चेतना की चिंगारी फूटे। आप इन बातों को अपने बच्चों को बताइए घर जाकर, जो बच्चे नहीं आए हैं, सास नहीं आई है तो बहू का फर्ज है कि इन बातों को अपनी सास को जाके बताए, सास आई है तो बहू को जाके बताए, बाकी आप लोग भी समझदार हैं, बेटे नाती पोतों को जरूर बताएंगे। गेहूं का ज्वारा बोया जाता है शीतला मंदिर में, गर्मी के दिन में आता है चैत्र नवरात्रि, गर्मी में चिकन पॉक्स होता है, इसको छोटी माता बड़ी माता कहते हैं, बड़े बड़े फोड़े निकल आते हैं हाथ पैर में, चेहरे में भी, और उसके बड़े दाग लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं निकलते निकलते, यदि आप नारियल पानी में धोते हैं तो जल्दी निकल जाता है। तो गर्मी में आता है, हमारे वैज्ञानिक पुरखे वो ब्राह्मण ही क्यों ना रहे हों, पंडित नामधारी क्यों ना रहे हों, जो भी रहे होंगे, पंडित मतलब जिनकी बुद्धि प्रज्ञा रही होगी, जो जानकार रहे होंगे, वो उन लोगों की बात है ये, है ना, सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यस्य बुद्धि पंडा सा पंडिता, सत्य और असत्य का विवेक करने वाली बुद्धि को पंडा कहते हैं, जो राइट और रॉन्ग का सही डिसीजन लेता है कि राइट को पकड़ना है रॉन्ग को छोड़ना है, वो पंडा कहलाता है। वो पंडा नहीं है जो आपको प्रयागराज में मिलते हैं, जगन्नाथपुरी में मिलते हैं और बछिया का पूंछ पकड़ा के बोलते हैं कि बैतरनी पार कर जाओगे, वो पंडा नहीं है। तो सत्य और असत्य का निर्णय करने वाली बुद्धि मत्ता को पंडा कहते हैं, और जिसकी बुद्धि पंडा है रियल में वही पंडित है। इसी हिसाब से आप भी पंडित हो जब आप और जब आप गलत और अच्छे का निर्णय कर लेते हो। तो पुरखों ने ये रंग ढंग चलाया, आज हम क्या कर रहे हैं, जेवारा को 9 दिन तक उसकी बढ़ोतरी देखते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाता है, एक एक डेढ़ डेढ़ फुट का, और आखिरी 9वें-10वें दिन हम बढ़िया बाजा गाजे के साथ झूम झुमाते हुए उसे किसी पोखरे तालाब में डाल देते हैं। करते हैं ऐसा, ऐसे ही करते हैं, और पानी नहीं मिलता है तो लोग मुरुम के गड्ढे में फेंक के चले आते हैं। ये गणेश के साथ भी हो रहा है, दुर्गा को भी लोग जहाँ तहाँ छोड़ देते हैं सूखी जगह में, गड्ढे में, और उस गणेश पर, उस दुर्गे पर कुत्ते जा कर के टट्टी कर रहे होते हैं। ये हमारा देश है, हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं कि वहाँ हमारी देवी देवताओं का अपमान करते होंगे लोग, हम सब यही कर रहे हैं। 9 दिन तक झूमे दुर्गा और गणेश के साथ और तमाम और देवी देवताओं के सामने, पंडाल लगाए, खूब सजाए, खूब लाइटिंग किए, उनके सामने गीत गाए, सब कुछ हुआ, नखरे भी हुए, नौटंकी भी हुए, और पर्दे के पीछे जुआ शराब और कबाब चल रहा है, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता, वहाँ वो भी हो रहा है। गुजरात में गरबा का डांस होता है, डांडिया खेलते हैं, और गरबा खेलते खेलते कई लड़कियाँ गर्भा में चली जाती हैं। सोच रहे हैं आप, समझ रहे हैं इन चीज़ों को, क्या हो रहा है हमारे देश में देवी देवताओं के नाम पर। आगे तो बड़े पुजारी हैं, बड़े भक्त हैं, एकदम निष्ठा से कर रहे हैं, और पीछे एकदम काला बाजार हो रहा है, कलंकित काम किए जा रहे हैं, ये हो रहा है हमारे देश में, ये समझिए। अपने बच्चों को ये बताना होगा, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, चैनल में आने वाले जितने बड़े गुरु हैं, देवकी नंदन ठाकुर से लेकर जया किशोरी और मुरारी बापू से लेकर अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे आसाराम बापू जैसे लोग कभी नहीं बताने वाले हैं। मैंने बताया ना अभी बेलपत्ती का सच, वो प्रदीप मिश्रा जी कभी नहीं बोलेंगे समाज में, क्योंकि उनका धंधा बंद हो जाएगा, बड़ा खतरा है उनके साथ, वो ये बोल दें कि आपके बच्चों को बेलपत्ती खाना चाहिए, वो कभी नहीं बोल सकते, वो कहेंगे भोले को चढ़ाओ। चाहते वो भी हैं ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो मैं आखिरी में ये कहना चाहूँगा आपको चलते चलते कि जेवारे का रस पीना चाहिए, गर्मी में हमारा शरीर ठंडा होता, हम शीतल होते, रियल में हम ही शीतला मैया हैं। हमारी आत्मा जब शीतल हो जाए, शरीर में शीतलता आ जाए, तो हर आदमी शीतला मैया है, शीतला देव है, लेकिन ऐसा कोई शीतला मैया का इतिहास नहीं है किसी दुनिया में। ये जो बातें आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसे जो सही तरीके से बताए
और परखाए और उसी तरीके का जीवन जिए, सचमुच में वही असली संत हैं। अभी आप संत और महंत की परिभाषा भी सुन रहे थे कि किस तरीके से चौका आरती के नाम पर लोगों को बरगला देते हैं, या कुछ संत भी हो सकते हैं जो अलग अलग ढंग से आपको फंसाते होंगे, बरगलाते होंगे, ठगते होंगे। अब आपको समझना है कि सच्चा ज्ञान कौन दे रहा है। सच्चा ज्ञान जहाँ मिले वही सत्संग है। सच्चा ज्ञान जो बांटे वो फिर कोई लाल कपड़ा वाला, पीला कपड़ा, दाढ़ी वाला, चोटी वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच्चा ज्ञान बांट रहा वो सत्संग, वो सच्चा ज्ञानी है, संत है, वही गुरुजन है। उनके चरण शरण लगना बहुत ज़रूरी है, उनकी संगत करें, उनके साथ बैठें। तो आज हमने यहाँ पर देखा और सीखा अपने गाँव और घर की कहानी से कि किस तरीके से हम केवल प्रतीकों में उलझ के रह गए हैं, पूजा पाठ में उलझ के रह गए हैं, बड़े बड़े कर्म कांडों में उलझ कर रह गए हैं। उसके पीछे उस पार जो सत्य है उसको कोई बिरला देखता है। उस सत्य को देखने वाले बने, उस सत्य में जिएं और अपना जीवन सफल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ संत गुरु चरणों के पावन चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब। अभी हम लोग भ्रमणशील संत श्री यतीन्द्र साहेब जी के सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे। आगे निवेदन है, कबीर आश्रम सकरी से पधारे हुए पूज्य संत श्री गुरु जतन साहेब जी से आप इस अवसर पर कुछ देर हम लोगों के बीच सुंदर विचार रखें। साहेब आ रहे हैं, खाली कर दो, कुर्सी में आ जाओ, इधर आ जाओ, इसको हटा लो, एक ठुक नीचे उस पर रखो, फिर उधर लेंगे। वंदौ सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाय, जासु कृपा दिन करन करी भ्रमतम देत न साय। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, माता बहनों की जय। आज ग्राम अमोदी में चालीस साल पुराने दानदाता ने भक्तिमती दया देवती ने दान किया, जमीन दान। पीछे में पश्चिम साइड में कुटिया भी बनाई थी, वह भी है। दान लेने वाले चले गए, सद्गुरु श्री विलास साहिब जी के चरणों में माता जी ने दान किया, आश्रम बनाई और कुछ काल रह करके अपना जीवन लीला को समाप्त कर दिए। सद्गुरु श्री विलास साहिब जी के चरणों में समर्पित करके आज 2012 में सद्गुरु श्री विलास साहिब जी के जीवन भी नहीं रहा, चले गए, लेकिन उनके जीवन दर्शन और दान देने वाले के पुण्य आज सफल है। आज माता जी के जमीन में यह आश्रम का निर्माण हुआ। आज
आश्रम और जमीन के उत्तराधिकारी के रूप में संत श्री पूज्य संत श्री धर्मेंद्र साहिब जी, पिछले साल कुछ चर्चा चली कि अमोदी में जमीन है। साहब कहे कि अमोदी गांव तो मैं देखा ही नहीं हूँ, जीवन में कभी गया भी नहीं हूँ। तो इस साल सकरी आश्रम में अभी 3 दिन के समय दिए, यहाँ के भक्तों सरपंच को जानकारी दिया, बड़ी खुशी के साथ आज का समय लिए, आप सब आए, संतों के निर्णय वाणी आप लोग स्मरण कर रहे थे। पूज्य साहेब जी भी अब थोड़े ही देर में आपके आश्रम में आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, उनके दर्शन उनके सानिध्य लाभ उनके अमृतवाणी हम सबको सुनने को मिलेगा। मेरे लिए आदेश है, इसलिए चंद्र मिनटों में पूज्य श्री साहेब जी के आगमन तक अपना विचार आप सबके बीच रखने जा रहा हूँ। गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना, जात कौरवे लागुन बारा, गए भोज जिन साजल धारा, गए पांडव कुंता ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमत ठाने, सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संगन लाई, जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, शो हरिचंद देखल नहीं जाई, मूरख मनसा बहुत संजोई, अपने मरे और लग रोई, इन जाने अपने मरी जाइबे, टकदस बिढ़े और लिखइबे, अपनी अपनी कर गए लागिन काहुक साथ, अपनी कर गए रावणा अपनी दशरथ नाद। पूज्य श्री साहेब जी आगमन हो रहे हैं, आप सब अपने जगह पर स्वागत के लिए खड़े हो जाएं। और आगे से रख करके बैठेंगे, जो पीछे लोग आते हैं उसके लिए जगह नहीं रहेगी, इसलिए जगह माताएं भी ध्यान रखें, आगे बढ़ करके बैठें। देव की जय। सब आगे से रख करके बैठ जाइए, अभी लोग आएंगे, आने का ही अभी शुरुआत है, खेत से आए हैं और खा पी करके थोड़े देर में सब आ ही रहे हैं। आप सब आए, जल्दी से रख करके बैठ जाइए आप सब। बोलिए सतगुरु देव की जय। गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना, राम जी चले गए जिसे भगवान और परमात्मा माना गया, आज जनता उसके सुमिरन और भजन से तरना चाहते हैं, चले गए, उनके जीवन और दर्शन महान थे, उनके साथ साथ निभाने वाले लक्ष्मण भी चले गए, लेकिन साथ में संग न गई सीता ऐसी धना, पतिव्रता एक निष्ठ पति में समर्पित नारी जो सुमिरन और भजन के योग्य है, ऐसे माँ सीता न राम के साथ गई, लक्ष्मण भी गए, सीता राम भी गए, लेकिन माँ सीता
उनके साथ नहीं जा सके। हमारे साथ हम सोचते हैं हमारा ये है वो है वो है, हमारे लिए कौन है? जैसे इस दानदाता भक्तिमती माता भी चली गई, वह भी नहीं रह गया। उनके परिवार आगे और पीछे जितने भी थे सब चले गए। कुछ अभी उसके नाती लोग हैं, वे लोग भी उनके पैतृक संपत्ति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन सबको जाना है, जाने के पहले काम वह कीजिए कि जग में फिर से ना आना पड़े, लख चौरासी का भुगतना फिर न पछताना पड़े। वक्त के रहते ही अपने इच्छाओं को दमन कर देख कर अपने ही कर्मों को फिर से न रोना पड़े। हे गुरुजी मेरे मन की संताप हर लो, इस दफा आज तक धोखा ही खाया अब नहीं खाना पड़े। कर्म ही इंसान के अच्छी बुरी पहचान है, वंदे रब के वास्ते दे कल न दोहराना पड़े। यह जीवन क्यों मिला वंदा गुलाम, यह शरीर क्यों मिला है? केवल रब के लिए मिला है, आत्मा में तृप्त होने के लिए मिला है, आत्मा में शांत होने के लिए मिला है। हम धन जन प्राणी और पदार्थ जितना भी इकट्ठा कर लें, हमारा है नहीं, न आज है न आगे रहेगा, सब कुछ को छोड़ के जाना है। इसलिए आज वर्तमान में कर्म ही इंसान के अच्छी बुरी पहचान है। वंदे रब के वास्ते दे, ये जीवन किस लिए मिला है? रब के लिए, खुदा के लिए, आत्मा में आत्म शांति पाने के लिए ही मिला है। न कि धन, न कि जन, न कि मठ मकान, ये सब विशाल बनाने के लिए नहीं मिला है, केवल आत्मा में तृप्त होने के लिए। ये आश्रम का निर्माण क्यों किया गया है? यहाँ पर दुखी सुखी आकर के भजन सत्संग कीर्तन करते रहे और आने वाले पीढ़ी को भी अच्छे संस्कार देते रहे। दान किया है, आश्रम बना उसी लिए। अब इसका उपयोग हम ना करें, अपना जीवन का सदुपयोग ना करें, सदमार्ग में लगाए ना, तो दुर्लभ क्या किया। इसलिए सब चले जा रहे हैं और हम भी उसी प्रकार से पश्चाताप करके हुए, जहाँ मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसे सभी रोए तू हंसता सा। हमें हंसते हंसते इस दुनिया को छोड़ करके जाना चाहिए और उसी के लिए सत्संग और भजन की आवश्यकता है। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य श्री साहेब जी आप सबके बीच उपस्थित हैं, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहेब जी का समय है।